गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज जो हमारा है लेक्चर टू अकाउंट्स का। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में लेक्चर फर्स्ट में पढ़ रखा था, वो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था, एग्जाम पैटर्न समझा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने सिलेबस समझा था कि हम लोगों का सिलेबस क्या है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अकाउंट्स का प्रोसेस समझा, इंट्रोडक्शन समझा। फिर हम लोगों ने उसकी मीनिंग समझी, अकाउंट्स की मीनिंग क्या होती है। फिर हम लोगों ने समझा कि अकाउंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने अभी अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, होप सो आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी। आज हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें एक चीज समझनी है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट से और रिलेटेड होता है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक दे रखा हुआ है बुक में, तो वो हम लोग अब शुरू करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स। सो अकाउंटिंग के क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं अदर सब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे कि एक सब्जेक्ट हमारा होता है कौन सा, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। एक हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स, एक होता है हमारा मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और हमारा होता है लॉ, और एक सब्जेक्ट हमारा जो लास्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो अकाउंट्स का इन सब सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एक चीज हमें यह मालूम होनी चाहिए, जो हमारा अकाउंट्स है, हमारा अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा की रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड करता, ये तो सबको पता है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब अकाउंट्स में सारा का सारा रिकॉर्ड है, सारा का सारा डाटा रखा हुआ है, तो अकाउंट्स को हम लोग क्या करना पड़ता है, सारे अदर डिसिप्लिन में अकाउंट क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। तो सारे के सारे अलग अलग डिसिप्लिन में क्या करता है, अकाउंट्स डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों को कंट्री की GDP निकालनी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल इनकम निकालना होता है, पर कैपिटा इनकम निकालना होता है। तो इन सब चीजों को निकालने के लिए अकाउंट्स क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, कि ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड मतलब स्कार्स रिसोर्सेस है, ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेस है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। तो अकाउंट्स क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स को कि वो प्रॉपरली अपना GDP, नेशनल इनकम और अदर कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। तो सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में भी अकाउंट्स क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स जब डाटा प्रोवाइड करता है उसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स में ये सब डाटा निकाल के उसका एनालिसिस करता है, ठीक है, तो ये सब चीजें डाटा प्रोवाइड करता है अकाउंट्स हमारा, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं ले लेता हूं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक हम लोग एक बेस बनाते हैं, लेट्स टेक कि कोई चीज का 18 नंबर आ रहा है, ठीक है, 18 इज अ मीन, ठीक है, 18 इज अ मीन, अप्रोक्सीमेटली एवरेज, अगर मैं कोई काम करता हूं तो 18 उसका क्या है, मीन है, ठीक है। तो एज स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हुआ है 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो ये जो हमारा मीन है वो 5 ऊपर जा सकता है या 5 नीचे जा सकता है, ठीक है,
5 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है या 5 पॉइंट्स नीचे जा सकता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब चीजें स्टैटिस्टिक्स में यूज होती हैं। अकाउंट्स हमारा क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी डाटा प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस में हम लोग क्या कर सके, एनालिसिस कर सके। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और अकाउंट्स बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अभी आप लोग आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। ठीक है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अगर किसी ट्रांजेक्शन को हम डेबिट कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट भी करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाता है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत मैथमेटिक्स का यूज करते हैं हम लोग अकाउंट्स में। ठीक है, मोर ओवर हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स में बहुत सी जगह हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है इंटरेस्ट एंड ऑल की, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो बेसिक जो डेरिवेशन होता है वो हम लोग कहाँ से यूज करते हैं, मैथ से यूज करते हैं। मोर ओवर हमें क्या करना पड़ता है, एन्यूटी का यूज करना पड़ता है, एन्यूटी का यूज करना पड़ता है, वो भी कहाँ से मिलती है हम लोगों को, मैथमेटिक्स से। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं चलो अगले अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जो हमारा क्या है, लॉ। ठीक है, लॉ हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है। ठीक है, जैसे लॉ में एक हमारा आता है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 हमें प्रोवाइड करता है कि हमें अपने कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, जब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स पढ़ेंगे तब हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का यूज करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा कंपनीज एक्ट 2013 को हमें यूज करना है अपने अकाउंटिंग के पर्पस के लिए। ठीक है, जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। सिमिलरली एक हमारा होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग कैसे करता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम लोगों को तब समझ में आएगा जब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ पाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। तो लॉ हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हमें अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली और भी एक्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये सब हम लोगों को क्या करते हैं, नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड चलता है अकाउंट्स के, लॉ जो हमारा है वो साइड बाय साइड चलता है अकाउंट्स के। ठीक है, तो चलो आखिरी जो हमारा होता है मैनेजमेंट, अकाउंट एंड मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अकाउंट क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अकाउंट क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। जैसे कि हमने क्या करा, बैलेंस शीट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। ठीक है, हम अपनी क्या करते हैं, अकाउंट्स की कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, क्या कॉस्ट है, कितने पे हमने कोई चीज परचेज करी, कितने पे सेल कर रहे हैं और हमारा कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ये सब चीजें डाटा कहां से मिलता है, अकाउंट से। तो अकाउंट्स क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाटा प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट उसके बेसिस में क्या लेती है, डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग के लिए सारा का सारा डाटा कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स का बेसिकली क्या रोल होता है, डाटा प्रोवाइड करना, क्योंकि अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करके हम लोग डाटा मेंटेन करते हैं और डाटा अलग अलग डिसिप्लिन को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो यूज कर सकें। ठीक है, जिससे कि वो डाटा का यूज कर सकें और कुछ ना कुछ रिजल्ट वेरीफाई कर सकें। लॉ हमारा क्या करता है, लॉ इन कॉन्ट्ररी, मतलब इन पैरेलल चलता है अकाउंट्स के, लॉ जो हमारा है वो पैरेलल चलता है अकाउंट्स के और वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हमें कैसे अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये 5 डिसिप्लिन के बारे में अभी हम लोगों ने क्विकली डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन द सोसाइटी, रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन द सोसाइटी। हमारे अकाउंटेंट्स का, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या रोल होता है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा सीए का प्रोफेशन होता है वो हमारे इंडिया में मोस्ट प्रेस्टीजियस माना जाता है।
मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना जाता है, ठीक है। हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है कि अगर हम लोग सीए होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सीए बन जाते हैं तो हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। मोर ओवर सोसाइटी में हम लोगों की अलग से एक रेपुटेशन होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, सीए का एज अ प्रोफेशन समझने की और कोशिश करते हैं। अगर आपने एक स्पीच सुनी होगी, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, सीए डे सेलिब्रेट करते हैं, सीए डे, ठीक है। सीए डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 जुलाई को। तो जब 1 जुलाई थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने एक कमेंट किया था, उन्होंने एक कमेंट किया था, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, पिलर होते हैं सोसाइटीज के, ठीक है, पिलर होते हैं सोसाइटीज के। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिग्नेचर होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिग्नेचर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, ठीक है। अगर कोई सीए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर्टिफाई कर रहा है, मतलब साइन कर रहा है, अपना सिग्नेचर कर रहा है, तो वो ये मतलब डिनोट कर रहा है, तो वो ये डिनोट कर रहा है कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएट है। तो इसके बेसिस में क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स अपने डिसीजन लेते हैं कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोफेशन है, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना जाता है अकाउंट्स के फील्ड में, ठीक है। तो अब हम लोग एज एन अकाउंटेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ सीए, ठीक है। तो पहली जो सर्विस होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एज अ सीए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द सेंस, हम लोग क्या करते हैं, उनका जर्नल मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब चीजें भी सीएस अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीजों की, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है, हम लोग मदद करते हैं या फिर खुद भी बनाते हैं, ठीक है। तो पहली सर्विस हमारी क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा हमारा क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी आप लोग जैसे कि कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कंपनीज एक्ट में अभी आप लेटर ऑन ये पढ़ेंगे कि जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है, जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उनको क्या करना है, उनके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारा जो कंपनीज एक्ट है, उन्होंने मैंडेटरी क्या कर दिया कि हमें उन कंपनीज का ऑडिट करवाना ही करवाना है। मतलब मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हमें उन कंपनीज का ऑडिट कराना ही कराना है, और ऑडिट कौन करेगा, सीए, ठीक है। तो जितनी भी कंपनीज है ऑल ओवर द इंडिया, कोई भी कंपनी अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसे अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपने अकाउंट्स को चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। मोर ओवर स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम लोग कभी कभी टैक्स ऑडिट्स भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, थीके? मतलब कि जो हमारे प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं वो क्या होती है, जनरली कोई एक्ट के अंदर गवर्न नहीं होती हैं। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में ना ही कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, ना ही पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ना ही पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है, ना ही कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो हमें उनका क्या करना होता है, टैक्स ऑडिट करना होता है। टैक्स ऑडिट का मतलब हमें उनकी टैक्स लायबिलिटी चेक करनी पड़ती है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म करती है, ठीक है। जैसे ही पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैंडेटरी तो नहीं है आप ऑडिट कराइए, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैंडेटरी नहीं होता कि ऑडिट कराना ही कराना, बट जनरली जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो भी अपना ऑडिट करवाती हैं, ठीक है, वो भी अपना ऑडिट करवाती हैं। टैक्स ऑडिट्स की भी बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, ठीक है, हर सारी की सारी फर्म्स टैक्स ऑडिट नहीं कराती हैं, उसके लिए कुछ लिमिट्स दे रखी हुई हैं, वो अगर उस लिमिट्स में वो फर्म फॉल करती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है वरना नहीं कराना होता। तो सर ये लिमिट्स क्या होती हैं, ये लिमिट्स बच्चे जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में आएंगे, जब आप लोग टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अभी आपके लिए ये चीज रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। एक होता है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है सर, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक जो हमारी जो मैनेजमेंट होती है, वो जैसे हमारी एक कंपनी है, ठीक है, जैसे ये हमारी कंपनी है, कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी दो तरीके के ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। एक होता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स,
एक होता है हमारा इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। दो तरीके के ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या रोल होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये रोल होता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई करना होता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर क्या होता है? हमारा डे टू डे चेकिंग करता है, डे टू डे चेकिंग करेगा कि हमारे रिकॉर्ड्स जो है, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट के लिए, इंटरनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर होगा उसको हम लोग तुरंत ही क्या करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, हमें डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म करना होता है, रेगुलर परफॉर्म करना होता है, रूटीन नेचर का काम होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा क्या होता है, रूटीन नेचर का काम नहीं होता। ये हमारा कब होता है, जब ईयर एंड हो जाता है, जब ईयर एंड हो जाता है तब स्टैट्यूटरी ऑडिट बिगेन होता है। और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, रूटीन नेचर का होता है, डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं रूटीन नेचर, जिससे कि याद रहे आपको कि हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिट भी आप लोग जब सी ए आईपीसीसी में पहुंच जाएंगे, सी ए इंटरमीडिएट में पहुंच जाएंगे, तब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सर्विसेज सर कौन कौन सी प्रोवाइड करता है हमारा सी ए? तो होती है एक टैक्सेशन की सर्विस। टैक्सेशन की सर्विस क्या होता है, लोगों का आप लोगों ने सुना होगा कि हर बंदे की जो लिमिट है, हर बंदे की जो इनकम्स है, इनकम अगर उसकी 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी बंदे की इनकम पूरे साल की 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, अपना ITR फिल करना है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना होता है, जो कि कंपलसरी होता है। तो हम लोग CS एज अ CS क्या करते हैं, उनके ITR फिल करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न भी फिल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न हमें किसके पास भेजना होता है? इनकम टैक्स रिटर्न हमारा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, CBDT, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, या बोल सकते हो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमें अपने इनकम का रिटर्न भेजना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं एज अ सीए, हम लोग जो पर्सन की इनकम निकालते हैं और उसके के बेसिस पे हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये एज अ रोल ऑफ हमें टैक्सेशन में हमें हेल्प करना होता है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। और सर हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस, मतलब हम लोग अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताया था कि हम लोग कंप्यूटेशंस करते हैं, डाटा निकालते हैं, जैसे एक्स और वाई दो प्रोडक्ट थे, कौन सा प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल है, इन सब बेसिस के बेस में हम लोग एनालिसिस करते हैं एज अ सीए, और मैनेजमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब एक्स करना चाहिए कि वाई प्रोड्यूस करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये ऐसे भी हमारा रोल होता है, हम लोग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चे यहाँ से हम लोग एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। सर फाइनेंशियल एडवाइस का क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल एडवाइस का मतलब बेसिकली बच्चे ये हुआ, हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस देते हैं। इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराना चाहिए और कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, उस चीज़ के लिए भी हम लोग इंश्योरेंस के लिए भी एडवाइस देते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन हमें कैसे करना है, मतलब हम लोगों को जैसे कि अपना बिजनेस एक सिटी से दूसरे सिटी में एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, कि ऐसे ऐसे अल्टरनेटिव्स देते हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, एक नई यूनिट सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, एक नई यूनिट सेटअप कर लो आप दूसरे सिटी में, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक एजेंट अपॉइंट कर लो दूसरे सिटी पे, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर्स कर सकते हो आप। तो ये सब ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, सारे अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना होता है और हमें अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करना होता है, ठीक है। मोर ओवर हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का भी काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का काम सर मतलब हम लोगों को काम कभी कभी क्या अपॉइंट कर देता है, हम लोग एज अ फ्रॉड डिटेक्टर अपॉइंट करते हैं, हम लोग एज अ फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, कि फ्रॉड को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ढूंढना होता है, तो हम लोग एज एन इन्वेस्टिगेटर भी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब सर्विसेज होती हैं।
जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सब सर्विसेज जो हैं ये सब हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार क्विकली रिपीट कर लेता हूँ क्या क्या सर्विसेज होती हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एडवाइसेस, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब सर्विसेज हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप देखूं तो मेरा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे अप्रॉक्स फिनिश होने को आ गया, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, वो हमारा यहाँ पे फिनिश होने को आ गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसको अब क्या करना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को आपको एक बार पूरा का पूरा रीड करना है। इस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। ये चैप्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है शायद कोई एक क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिना पढ़े भी हमारा काम नहीं चलना है, ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना तो है। तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछ लेंगे। पहले आपको क्या करना है, जितने भी मैंने नोट्स लिखवाए हैं, जितना भी मैंने लास्ट क्लास और आज की क्लास में बताया वो पहले एक बार रिवाइज करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ डालेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर रीड आउट कर लेंगे। मैंने जितना बताया सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। जब जितना भी मैंने 2 क्लासेस में डिस्कस करा वो आपको देखने को मिल जाएगा बुक में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चंस बुक के दिखा देता हूँ, ठीक है, जो हमारे बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, ठीक है। और सब फील्ड्स भी हमें पता है, हमारी सब फील्ड्स क्या क्या होती है, हमारी सब फील्ड्स होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से यूजर्स होते हैं, तो यूजर्स भी हमें पता है, हमारे एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, तो उन सबकी डिटेल्स आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। फिर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स और लॉ, ये भी अब आप लोग बता सकते हैं आज की क्लास के बाद, ठीक है। कौन कौन सी लिमिटेशंस होते हैं विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, या फिर इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, या फिर विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, वो भी अभी हम लोगों ने लेटेस्ट डिस्कस किया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सर्विस, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करता है हमारा ऑडिटर। तो ये सब सर्विसेज, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब सर्विसेज हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो मोटा मोटा देखिए तो हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार रीडिंग करना और फिर से कोशिश करना है कि आप अपने आप से एक बार इन क्वेश्चंस को राइट करें, कहीं पर लिखें, ठीक है, आंसर्स इनके खुद से लिखें। हमें क्या करना है, प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब आप लोग क्या करना है, एक बार इनके सॉल्यूशंस लिखने हैं, ठीक है। चलो फिर पहले चैप्टर पढ़ना है फिर सॉल्यूशंस लिखना है। चलो फिर अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। सो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो पहला टर्म होता है उसका नाम क्या होता है, गुड्स, ठीक है। तो हमारे बिजनेस के गुड्स क्या होते हैं उसके बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। गुड्स हमारे क्या होते हैं, बिजनेस की कमोडिटीज होती हैं जिसमें बिजनेस क्या करता है, डील करता है, ठीक है। गुड्स हमारे क्या होते हैं, बिजनेस की कमोडिटीज होती हैं जिसमें क्या करता है, बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी जैसे जनरल स्टोर की दुकान है, ठीक है, ये मेरी शॉप है, किसकी, जनरल स्टोर की,
जनरल स्टोर की दुकान है तो मेरे लिए गुड्स क्या हो जाएंगे, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब मेरे क्या हो गए, बिजनेस के गुड्स हो गए जिसमें मैं डील करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स कह सकते हैं या मारुति सुजुकी बोल लें, तो टाटा मोटर्स के लिए गुड्स क्या क्या हो गए, गुड्स क्या क्या हो जाएंगे, वो लोग टाटा मोटर्स क्या बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, ठीक है, ट्रक्स बनाते हैं, जो ट्रक्स बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रक्स को बनाने के लिए इनको क्या क्या गुड्स चाहिए होंगे, स्टील चाहिए होता होगा, टायर चाहिए होता होगा, लाइट्स एंड ऑल, पेंट एटसेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें इनके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, इनपुट्स हो गए, और इस इनपुट्स के बेसिस में ये लोग क्या करते होंगे, ट्रक बनाते होंगे, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, बिजनेस के गुड्स हो गए। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, जैसा बिजनेस वैसे उसके गुड्स, ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल का काम करते हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, मोबाइल गुड्स हो गए, फर्नीचर का काम करते हैं तो हमारे लिए फर्नीचर गुड्स हो गए, ठीक है, तो जैसा हमारा बिजनेस वैसे हमारे बिजनेस के गुड्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस के गुड्स होते हैं, ठीक है, चलो फिर गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, बायफरकेट कर देते हैं, ठीक है, गुड्स का हम लोग क्या करते हैं, बायफरकेशन कर देते हैं। तो गुड्स के बायफरकेशन के लिए सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या होता है, परचेस, ठीक है, परचेजेस, गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है, गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, सेल भी करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों को हम लोग सेल करते हैं या फिर जिन लोगों से हम लोग परचेस करते हैं, तो परचेस करके हम लोगों को जो गुड्स डिफेक्टिव होते हैं, जो हमारे पर्पस के नहीं होते हैं, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो उन गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को वापस कर देते हैं, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न। सिमिलरली जो हम लोग गुड्स सेल करते हैं कभी कभी कस्टमर्स को अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, कभी कभी कस्टमर्स को अच्छे नहीं लगते तो वो गुड्स हमें वापस कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। और जो हमारा एक लास्ट बचा वो क्या हो जाएगा, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक जो हमारे पास एक्चुअल में इन्वेंट्री बची रह रही है, ठीक है। तो चलो एक एक चीज को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो जो बच्चे बिजनेस में हम लोग परचेजेस करते हैं, जो हम लोग बिजनेस में परचेजेस करते हैं, परचेजेस हम लोग कैश पे भी करते हैं और क्रेडिट में भी करता है। कैश का मतलब मैंने गुड्स परचेस करे और इमीडिएटली मैंने उसका सेटलमेंट कर दिया, कैश पे कर दिया, या फिर हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में हम लोग जब गुड्स परचेस करते हैं तो क्रेडिट में करते हैं, मतलब उधार में परचेस कर लिया और मैं लेटर ऑन फ्यूचर डेट में उसका क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो सेल्स भी ऐसे ही होती है, सेल्स भी हम लोग क्या करते हैं कैश में करते हैं, सेल्स भी हम लोग क्या करते हैं कैश में करते हैं और क्रेडिट में करते हैं, जो हमारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, लॉयल कस्टमर्स होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट में, उधार में भी माल बेच देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ बिजनेस के नॉर्म्स होते हैं जो धीमे धीमे ऑटोमेटिकली बिजनेस में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। परचेज और सेल्स जनरली हम लोग बहुत सी क्रेडिट में भी करते हैं और बहुत सी कैश में भी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें हमारी परचेजेस क्या होती हैं, हमारी परचेजेस क्या होती हैं, तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। परचेजेस, द टर्म परचेस इज यूज्ड फॉर परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर पैकेजिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फॉर पैकेजिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर टू बी सोल्ड, ठीक है। द टर्म परचेज इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर पैकेजिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर टू बी सोल्ड, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट, या लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। चलो तो हमारा परचेज क्या होता है, बिजनेस के लिए जो हम लोग कमोडिटीज परचेज करते हैं, जिस चीज में हम लोग डील करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं से मार्केट से परचेज करना पड़ता होगा, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं से, अगर मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मेरी मोबाइल की ये शॉप है,
मोबाइल मेरे को कहीं से परचेस करके लाने होते होंगे, तभी तो मैं उसको सेल ऑफ कर पाता हूँ। अगर मैं जब तक परचेस करके नहीं लाऊंगा तो तब तक मैं उसको सेल कैसे करूंगा? तो हमारे बिजनेस की परचेस क्या होती है? परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल या फिर पैकेजिंग करने के लिए फिनिश गुड्स का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने कहीं से क्या करा, मेरा समझ लो आप ये मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी है ग्रॉसरी की शॉप है, मतलब जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं जनरल स्टोर मान लेता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने 50 kg राइस परचेस करा, ठीक है, 50 kg राइस परचेस करा, ठीक है। 50 kg राइस को मैंने क्या करा, 2 2 kg के स्मॉल पैकेट्स में इसको कन्वर्ट करके 2 2 kg के 25 पैकेट्स बना दिया और इसको मार्केट में सेल करने के लिए मैं ले आया, ठीक है। मैंने क्या करा होगा, 2 2 kg को पैक करने के लिए कुछ पॉलिथिन एंड ऑल या बैग्स परचेस करे होंगे, बैग्स परचेस करे होंगे, ठीक है। तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी, बिजनेस की परचेजेस मानी जाएगी, मतलब और फॉर पैकेजिंग फिनिश प्रोडक्ट्स विच आर टू बी सोल्ड, ठीक है। तो मैंने क्या करा होगा, बैग्स परचेस करे होंगे जिससे कि मैं एक 50 kg राइस के पैकेट को या बैग को इसमें कन्वर्ट कर सकूं, 25 पैकेट्स में कन्वर्ट कर सकूं। तो ये भी मेरा क्या माना जाएगा, परचेज माना जाएगा। परचेज हमारा क्या होता है, वो कमोडिटीज जो हम परचेज करते हैं जिसका हमें डील करना होता है, जिसमें हमें डील करना होता है बिजनेस के लिए, या फिर हम क्या करते हैं अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने में कंज्यूम कर लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में बनाने में कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा क्या आता है, सेल्स, ठीक है, सेल्स, सेल्स, ठीक है। तो जैसे कि जब हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग उसको परचेज अकाउंट्स नाम से डील करते हैं, ठीक है। हमारे जो बिजनेस में परचेजेस होती हैं वो हम लोग अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या बोल लेते हैं, परचेज अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग सेल्स करते हैं तो उसको हम अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या बोल लेते हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स, द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल्स ऑफ गुड विच आर टू बी डेल्ट बाय विच आर टू बी डेल्ट बाय द फर्म विच आर टू बी डेल्ट बाय द फर्म it includes both cash and credit sales, ठीक है। जैसे कि हमने अपने गुड्स को परचेज करा, ठीक है, हमने अपने गुड्स को परचेज करके लाया, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ गुड्स की, ठीक है, जैसे मैं मोबाइल परचेज करके लाया अपनी शॉप में, मोबाइल परचेज करके लाया, ये मेरे बहुत सारे मोबाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, मेरे पास जो कस्टमर ही आया, ये कस्टमर आया, मैंने क्या करा, इस कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है, इस कस्टमर को सेल कर दिया। तो इस कस्टमर को या तो मैं कैश में सेल करूंगा या क्रेडिट में सेल करूंगा, ठीक है। जो हम लोग सेल्स करते हैं उसको हम लोग सेल्स के अकाउंट के नाम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने सेल्स के अकाउंट के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सेल्स, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, अब जो हमारा कस्टमर है, ठीक है, अब जो हमारा कस्टमर है वो अपने घर गुड्स लेकर चला गया, ठीक है, घर गुड्स लेकर चला गया, यहाँ अपने घर पहुंचा, इसको यूज करा, ठीक है, इसको यूज करा, मोबाइल लेके गया घर पे, मोबाइल को यूज करा और उसने देखा कि कोई डिफॉल्ट है, मोबाइल में कोई दिक्कत है, हो सकता है मोबाइल का कोई पार्ट क्रैक निकल गया, ठीक है, या फिर मोबाइल का कोई फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन, कोई एसेसरी, कोई फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली, ठीक है, काम नहीं कर रही है प्रॉपरली। तो वो मेरे पास वापस आया, ठीक है, वो मेरे पास मोबाइल लेकर वापस आया, ठीक है। मैंने उसको चेक करा, मैंने मोबाइल को चेक करा तो देखा कि हाँ कुछ डिफॉल्ट है मोबाइल में, तो मैंने क्या करा, उससे मोबाइल वापस ले लिया, ठीक है, वापस ले लिया। तो इस वापसी को मैं क्या बोल दूंगा, सेल्स रिटर्न, इस वापसी को मैं क्या बोल दूंगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है, इस वापसी को मैं क्या बोल दूंगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक और नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, सेल्स रिटर्न को हम लोग एक और नाम से डिनोट करते हैं जिसका नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। इस शब्द को याद रखना, सेल्स की जो रिटर्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इस पे बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा क्या रिटर्न आउटवर्ड होता है और क्या रिटर्न इनवर्ड होता है। तो चलो सिमिलरली हम लोग परचेस में क्या करते हैं, मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी मोबाइल की दुकान थी, मैंने मोबाइल परचेस करा, ठीक है,
मोबाइल परचेज करा और मेरे को लगा कि कुछ डिफॉल्ट है। जब मेरे पास मोबाइल है तो देखा कि कुछ के पैकेजेस टूटे फूटे थे, कुछ मोबाइल हो सकता है ब्रेक ब्रेक हो गए रास्ते में, कुछ रास्ते में ब्रेक हो गए, ठीक है। तो मैंने अपने सप्लायर को बोला कि भाई साहब आप गुड्स वापस ले लीजिए जो डैमेज है। मैंने अपने सप्लायर को बोला कि आप गुड्स वापस ले लीजिए जो डैमेज हो चुके हैं। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, परचेज रिटर्न। जब मैं गुड्स को वापस कर देता हूँ अपने सप्लायर को तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। जब मैं गुड्स को रिटर्न करता हूं तो उसको बोलता हूं हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, मतलब बिजनेस से गुड्स निकल के वापस जा रहे हैं, तो उसको बोल देंगे रिटर्न आउटवर्ड। और हमारे गुड्स की जो हम सेल कर चुके हैं, सेल करके जो वापस आ रहे हैं उसको बोल देंगे रिटर्न इनवर्ड, मतलब बिजनेस में वापस आ रहे हैं, बिजनेस में इन हो रहे हैं, तो उसको बोल देंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। और जो बिजनेस से आउट हो रहे हैं वापस जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, उसको बोल देंगे क्या, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। तो ये दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, परचेजेस से रिलेटेड होता है रिटर्न आउटवर्ड, सेल से रिलेटेड होता है रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि बच्चों को बहुत सा कंफ्यूजन होता है रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में बच्चों को बहुत सा कंफ्यूजन होता है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग फटाफट क्विकली नोट डाउन कर लेते हैं। सो परचेज रिटर्न इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, गुड्स मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूं तो एग्जाम्पल है डिफेक्ट इन क्वालिटी, डिफेक्ट इन क्वालिटी, क्वालिटी में डिफेक्ट था इसी वजह से मैंने वापस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग थोड़ा सा सेल्स रिटर्न के बारे में भी नोट डाउन कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न क्या होता है हमारे बिजनेस के, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। गुड्स सोल्ड when returned by customers are called sales return. Goods sold when returned by the customers are called sales return, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, return inward, ठीक है, return inward, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्या बचा हुआ, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या होता है सर, ये भी हमें बता दीजिए। स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, स्टॉक is a tangible asset. सर ये tangible asset क्या होता है बच्चे, अभी मैं सब बताऊंगा, अभी बस आप नोट डाउन कर लो ये tangible asset अभी के लिए। Stock is a tangible asset held by the enterprise for the purpose of production/sale of goods. Generally, we calculate stock at the
ठीक है, जनरली वी कैलकुलेट स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर. तो स्टॉक का कैलकुलेशन हम लोग जनरली जो करते हैं वो हम लोग बिगनिंग में या फिर एंड ऑफ द ईयर में करते हैं. ठीक है, तो चलो कौन कौन से बिगनिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं. ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग डिनोट किस, जो स्टॉक हमारा जो बिगनिंग में होता है, ईयर एंड ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोल देते हैं. तो स्टॉक हेल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, स्टॉक हेल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक. और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसको क्या डिनोट कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से. तो चलो सर हम लोगों को थोड़ा सा बता तो दो आपकी स्टॉक होता क्या. तो चलो बच्चे मैं आपको बताता हूँ स्टॉक क्या होता है. तो सबसे पहले एक जो स्टॉक जिस चीज में हम लोग डील करते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि गुड्स में हम लोग डील करते हैं. ठीक है, गुड्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉक भी बोल देते हैं. स्टॉक भी हम लोग गुड्स को बोल देते हैं. जैसे कि क्या होता है, हम लोगों ने क्या करा, कुछ परचेजेस करी. ठीक है, कुछ परचेजेस करी. ठीक है, परचेजेस करी तो मेरे बिजनेस में क्या हुआ, मेरा जो ये बिजनेस था, मेरा जो बिजनेस था ये, इसमें क्या आया, गुड्स आए होंगे. परचेज करी होगी तो मैंने क्या करा होगा, गुड्स आए होंगे मेरे बिजनेस में. ठीक है, फिर मैंने क्या करा होगा, कुछ सेल्स करी होगी. ठीक है, कुछ सेल्स करी होगी तो मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे होंगे, कस्टमर के पास जा रहे होंगे. ठीक है, तो लेट्स टेक मैंने परचेज करी जो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी परचेज करी, लेट्स टेक 25 लाख रुपीज की करी. ठीक है, 25 लाख रुपीज की करी. ठीक है, 25 लाख रुपीज की मैंने परचेज करी. और जो मैंने सेल्स करी, ठीक है, सेल्स करी, उन 25 लाख में से 20 लाख्स के गुड्स को, 20 लाख्स के गुड्स को मैंने क्या करा, 25 लाख रुपीज में सेल आउट कर दिया. 25 लाख रुपीज में सेल आउट कर दिया मतलब 25 लाख में से 20 लाख के गुड्स जो थे वो 25 लाख में बेच दिए. ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो इसको मैं 30 लाख ले लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो बार 25-25 लिख दिया मैंने. तो 25 में से 20 लाख के गुड्स मैंने कितने में सेल ऑफ कर दिया, 30 लाख रुपीज में सेल ऑफ कर दिया. ठीक है, अब जो मेरे गुड्स बचे होंगे 5 लाख के जो गुड्स बचे रह गए वो मेरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया. इस स्टॉक को मैं आगे भी सेल ऑफ कर सकता हूँ, इसको सेल कर सकता हूँ. ठीक है, तो स्टॉक हमारा क्या हो गया, हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं, हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं. सर एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स भी बच्चे अभी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा, बस इतना मान लो एसेट्स हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे बिजनेस के हमारी जो मेहनत, हमारे जो बिजनेस के एसेट्स को आप ऐसे भी डील कर सकते हैं, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज. ठीक है, उसमें हम अपने एसेट्स में स्टॉक को भी लेकर चलते हैं. ठीक है, स्टॉक को भी लेकर चलते हैं. तो सर ये टेंजिबल का क्या मतलब होता है, टेंजिबल का मतलब बच्चे अभी इतना बस समझ लो कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं. ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं टेंजिबल एसेट. ठीक है, अब स्टॉक का कैलकुलेशन जो होता है, स्टॉक का जो जनरली कैलकुलेशन होता है वो जनरली क्लोज ऑफ द ईयर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है. तो इसको हम लोग जनरली डिनोट क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से. जो हमारा स्टॉक जो बचा होता है वो किस नाम से होता है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से. मतलब स्टॉक तो हमारे पास बिजनेस में हमेशा ही रहेगा, स्टॉक तो हम रखेंगे तभी तो. अगर स्टॉक ही नहीं रखेंगे किसी चीज का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी भी आप लोग कोई शॉप में जाते हैं तो जो हमारे जो शॉप पे अगर आप गए कोई चीज परचेस करते हैं, ठीक है, आपने कहा कि भैया मेरे को ये चीज दे दो, तो वो कहता है कि भैया मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया. स्टॉक मतलब हमारे बिजनेस की इन्वेंट्रीज जिसमें हम लोग डील करते हैं, जो हमारे पास रखी हुई है. ठीक है, अब हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कब करते हैं, क्लोजिंग में एट द ईयर एंड में करते हैं. ठीक है, एट द ईयर एंड में करते हैं. जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर का मेरा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जनरली कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, या तो हम लोग फिजिकली काउंट करते हैं, स्टॉक जाते हैं स्टॉक को गिनते हैं कितना स्टॉक है मेरे पास, इसको हम लोग गिनते हैं. और इसको हम लोग क्या करते हैं, गिन के एक एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन निकल आता है. स्टॉक की क्वांटिटी को मैंने गिन लिया और उसको मैंने एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी. या फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, मतलब स्टॉक के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करते हैं और जो स्टॉक की वैल्यू आ रही होती है उससे निकाल लेते हैं। बट बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में स्टॉक का रजिस्टर अभी भी मेंटेन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज को गिनते हैं और उसको एक एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जिससे हमें अपनी स्टॉक की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए स्टॉक को, स्टॉक में भी डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, स्टॉक में भी डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, स्टॉक को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सर ये कैटेगरीज क्या क्या होती है जरा बता सकते हैं आप हमें? चलो बच्चे मैं बताता हूँ आपको स्टॉक की क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो पहली जो हमारी होती है उसको हम लोग बोल देते हैं रॉ मटेरियल, दूसरा जो हमारा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग WIP बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, WIP। और जो हमारा आखिरी हो गया फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे बिजनेस में क्या होता है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम लोग अपने गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जब हम लोग अपने गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टॉक परचेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करता हूँ, ठीक है, मारुति सुजुकी के लिए क्या इनपुट होता होगा, स्टील होता होगा, टायर एनॉल होते होंगे, ठीक है, स्टील टायर, फाइबर की भी कुछ कुछ बॉडीज आती है तो फाइबर भी चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता होगा कार बनाने के लिए, ठीक है, पेंट की नेसेसिटी होती होगी, तो ये सब इनके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल ये सब यूज करके वो क्या करेंगे, कार बनाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा, रॉ मटेरियल का स्टॉक रख लिया। ठीक है, अब जैसे कि एक कार को बनाने में लेट्स टेक 2 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, 2 महीने लगते हैं एक कार को बनाने में। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनपुट लिया, मैंने रॉ मटेरियल लिया और कार बनाना शुरू कर दी। ठीक है, और आज क्या है, मेरा जो ईयर एंड आ गया, ईयर हर साल का जो एक टाइम पीरियड होता है कि जनरली एक साल का एक ईयर होता है। ठीक है, एक साल का एक ईयर एंड होता है, तो जब हम लोग ईयर एंड पे आते हैं, लेट्स टेक मैंने क्या करा था, दिसंबर में शुरू करा और मेरा 31 दिसंबर को ईयर एंड आ गया, और मैंने मान लेते हैं 1 दिसंबर को शुरू करा, तो 31 दिसंबर के लिए मैंने क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरी कार जो है वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मैं यूज कर चुका हूँ ना, और ना ही मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरे जो फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गए जिसमें मैं कार को डील करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, अपना वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब मेरी जो कार है अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, मेरी जो कार है वो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब इनकम्प्लीट कार है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वर्क इन प्रोग्रेस। जो हमारी कार है वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई है, अभी हो सकता है सिर्फ इसका ढांचा बन पाया, तो अभी पूरी तरह से कार बन के तैयार नहीं हो पाई। अगर पूरी तरह से कार बन के तैयार हो जाएगी, पूरी रेडी हो जाएगी, मतलब ऐसे ही कार रेडी हो जाएगी, नीचे टायर्स भी लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सीट वगैरह भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो हम लोग उसको फिनिश गुड्स बोल देंगे। तो फिनिश गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेटली हम लोग मार्केट में सेल कर सके। ठीक है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी टू सेल है, मार्केट में हम लोग इसको कभी भी सेल ऑफ कर सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम लोग फिनिश गुड्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हम लोग बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और फिनिश गुड्स बनाते हैं। अगर इन केस जिन चीज का प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो मतलब प्रोडक्शन के लिए तो चले गए पर उनका प्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको हम लोग बोल देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। समझ रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लाए, जो हम लोग गुड्स परचेस करके लाए, जिसका हम लोग प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, मटेरियल इनपुट हो गया, और उस मटेरियल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बना रहे हैं, कार बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो गुड्स प्रोड्यूस हो गए पूरे, तो उसको हम लोग बोल देंगे फिनिश गुड्स, वो अल्टीमेटली हम लोग मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं। बट जो हमारे कुछ ऐसे गुड्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए, जो अभी तक प्रोडक्शन का पार्ट है, अभी हम लोगों के प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, मतलब अभी तक फिनिश गुड्स बन के तैयार नहीं हो पाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं, तो स्टॉक को इन तीन कैटेगरीज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उसके बेसिस पे निकालते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग प्रोडक्शन एंटिटीज में प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, ट्रेडिंग के केस में ये चीज जनरली एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग के केस में हम लोग रेडीमेड प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं। ठीक है, रेडीमेड प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, जैसे मैंने मोबाइल परचेस करा, रेडीमेड प्रोडक्ट मोबाइल हो गया मेरा, मैंने मोबाइल परचेस करा और सेल कर दिया,
तो उसमें कहीं भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। अगर मैं मोबाइल की ट्रेडिंग करता हूं, मैं मोबाइल को मैंने क्या करा, परचेस करा और अल्टीमेटली मार्केट में सेल कर दिया। अगर मैं मोबाइल को प्रोड्यूस कर रहा हूं, बना रहा हूं, तो उसके लिए भी ये तीनों प्रोसेस आ जाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी ये तीनों चीजें कैटेगरी आ जाएंगी। वरना रॉ मटेरियल, वरना हमारा क्या होगा, मोबाइल के लिए सिर्फ फिनिश गुड्स ही देखा जाएगा। फिनिश गुड्स की हमने परचेस करी और फिनिश गुड्स को हमने सेल ऑफ कर दिया, ठीक है, फिनिश गुड्स को हमने परचेस करा और फिनिश गुड्स को ही अल्टीमेटली हमने मार्केट में सेल ऑफ कर दिया, ठीक है। चलो जी, फिर और आगे बढ़ता। तो बच्चे, जैसे कि हम लोग अभी तक जो गुड्स को सेल ऑफ करते हैं, जो गुड्स की सेल करते हैं, जो सेल ऑफ गुड्स करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, वो सेल ऑफ गुड्स हम लोग दो बेसिस पे करते हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने अभी पढ़ा था कैश बेसिस पे करते हैं, और एक हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे कर देते हैं। जो हम लोग सेल करते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, एक तो कैश बेसिस पे करते हैं, एक हम लोग कौन से बेसिस पे करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। कैश बेसिस पे जो सेल्स करते हैं उसका पैसा तुरंत रियलाइज हो जाता है, ठीक है, पैसा हमें तुरंत मिल जाता है, ठीक है, तो वहीं पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हम लोग जब क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है, क्रेडिट पे सेल करते हैं, फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, और मेरे पास एक कस्टमर आई, ये हमारी जो कस्टमर का नाम है कैटरीना, जो हमारी कस्टमर है कैटरीना जी, वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा, सर मेरे को गुड्स परचेस करने हैं आपसे। तो मैंने कहा भाई ले लो भाई, तो मैंने कहा कि गुड्स, मैंने इसको क्या करा, सेल ऑफ कर दिया। तो गुड्स सेल किया, गुड्स की सेल करी, ठीक है, गुड्स की सेल करी, और वो गुड्स की वैल्यू थी 10,000 रुपीज, ठीक है। बट कैटरीना जी मेरे से बोलती हैं कि सर अभी तक मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं कैटरीना जी, हम लोग आपको एक मंथ का टाइम देते हैं, आप एक महीने बाद मेरे को पैसा दे दीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने गुड्स को हम लोग क्रेडिट पे बेच रहे हैं, ठीक है, इसको अपने बुक्स किस पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं। तो कैटरीना जी से मेरे को क्या करना है, एक महीने बाद पैसा रिसीव करना है, ठीक है, रिसीव करना है। तो मेरे पास एक राइट क्रिएट हो गया, कि मेरे को क्या करना है, कैटरीना जी से पैसा रिसीव करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो कैटरीना जी हैं, जो हमारी कस्टमर है, ठीक है, इनको मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को कैश तो रियलाइज हुआ नहीं है, इनसे कैश रियलाइज नहीं हुआ है, तो मैं इनको क्या करूंगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूंगा, इनका नाम लिखूंगा कैटरीना नाम से, ठीक है, कैटरीना नाम से। सिमिलरली मेरे और जो कस्टमर्स हैं, मेरे और भी कस्टमर्स होंगे जिनको मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट पे सेल करता हूँ। तो एक मेरे रोहन है, एक है सोहन, एक है मोहन, ठीक है। तो मेरे इतने सारे कस्टमर्स हो जाते हैं, इतने सारे नाम हो जाते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, कि हम लोग सबको अलग अलग से अपने बैलेंस शीट में डिनोट करें, अलग अलग से बैलेंस शीट में दिखाएं सबके नाम को, ठीक है, अलग अलग से बैलेंस शीट में सबके नाम को दिखाएं। तो इन सबको ग्रुप करने के लिए कलेक्टिवली एक नाम देने के लिए हम लोग इनको एक नाम दे देते हैं, जो नाम क्या हम लोग दे देते हैं इनको, डेटर्स के नाम से, ठीक है। कलेक्टिवली इन लोगों को अगर मैं क्या बोलूं, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, बिजनेस के डेटर्स हैं। बिजनेस के डेटर्स मतलब क्या सर, वो बंदे, वो कस्टमर्स, वो लोग जिनसे मेरे को अभी पैसा रिसीव करना है, उसको मैं क्या बोल दूंगा, डेटर्स। जो जिनसे पैसा हमें रिसीव करना है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बिजनेस के डेटर्स। इंडिविजुअली अगर एक या दो नाम हो तो चलो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखा दूंगा, बट अगर इतने सारे नाम है, इतने सारे कस्टमर्स हैं, हजारों कस्टमर्स होते हैं बिजनेस में, ठीक है, हजारों लोग क्रेडिट पर माल परचेस करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, डेटर्स बोल देते हैं, डेटर्स मतलब जिनको हम लोग गुड्स क्रेडिट पे सेल ऑफ कर रहे हैं। तो क्या सर हम लोगों को रोहन सोहन मोहन के अकाउंट नहीं मेंटेन करने पड़ेंगे? बच्चे अकाउंट तो मेंटेन करना ही करना है इनके अलग से, मैंने ये बोला है कि कलेक्टिवली हम लोग इनको डेटर्स बोलेंगे, ठीक है, कलेक्टिवली हम लोग इनको डिनोट कैसे करेंगे, ये हमारा क्या डेटर है, जैसे रोहन हमारा क्या डेटर है, सोहन हमारा क्या डेटर है, बट हम लोग इंडिविजुअली इनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जिससे कि कभी भी इनका अकाउंट खोले तो हमें पता चल सके कि हमें इनसे कितना रिसीव करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, बिजनेस के डेटर्स। तो चलो डेटर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूं। तो डेटर्स के बारे में अगर लिख लेते हैं, तो डेटर इज अ पर्सन टू होम द फर्म हैज सोल्ड, टू होम द फर्म
हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. डेटर इज अ पर्सन टू होम द फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, डेटर इज अ पर्सन टू होम द फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, डेटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हमारे बिजनेस के कस्टमर्स जिनको हम लोग गुड्स सेल करते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा. जैसे कि इसी को एग्जाम्पल को मैं अब कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो क्या हुआ कि कैटरीना जी हमसे क्या करके गई थी, गुड्स परचेज करके गई थी. ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस ने गुड्स सेल करा था इनको. ठीक है, हमारे बिजनेस ने इनको क्या करा था, गुड्स सेल करा था. तो जो हमारा बिजनेस है, हमने इनको क्या करा, गुड्स सेल करा. अब मेरे को डर लग रहा है कि ये कैटरीना जी हैं, ये गुड्स तो लेके चली गई, बट क्या पता मेरे को पैसे दें कि ना दें, कहीं ये डिफॉल्ट ना कर दें मेरे पेमेंट के लिए. जो हमारी कैटरीना जी हैं, कहीं हमें डिफॉल्ट ना कर दें, कहीं ये मेरे पैसे लेके ना भाग जाएं, कहीं ये हमें पैसे ना दें. तो मेरे को भाई क्या हो गया, डर लगने लगा. तो मैंने क्या करा इनसे मैंने क्या करा, एक कागज का पत्तल लिया और उसमें मैंने लिख दिया कि कैटरीना जी से मेरे को 10,000 रुपीज रिसीव करने हैं, और मैं इनसे रिसीव कब करूंगा, 1 मंथ बाद रिसीव करूंगा. ठीक है, मेरे को इस कागज के पत्तल में लिख लिया, मतलब मैंने एक पेपर में लिख दिया. ठीक है, इस पेपर में मैंने भी साइन कर दिया और कैटरीना जी ने भी साइन कर दिया. इस पेपर पे मैंने भी साइन कर दिया और कैटरीना जी ने भी एक्सेप्ट करते हुए साइन कर दिया कि ये मेरे को एक मंथ बाद क्या करेंगी, पेमेंट देंगी. एक मंथ बाद क्या देंगी, पेमेंट देंगी. तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस कागज के पेपर को हम लोग बोल देते हैं बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, इस कागज के पत्तल को हम लोग क्या बोल देंगे, बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज. It means a bill of exchange accepted by debtors. It means a bills of exchange accepted by debtors, the amount of which is to be received on a future date. So it means a bills of exchange accepted by the debtors, the amount of which is to be received on a future date. ठीक है, तो ये हम लोग क्या कहते हैं, एक कागज के पत्तल होता है, जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा एक चैप्टर है, वो हम लोग बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इट मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स. डेटर मतलब हमारी कौन, कैटरीना जी इसको एक्सेप्ट करेंगी. द अमाउंट ऑफ विच इज टू बी रिसीव्ड ऑन अ फ्यूचर डेट. ठीक है, जिसका पैसा हमें कब मिलना है, फ्यूचर में मिलना है. तो हमें कब, जैसे इस एग्जांपल में हमें कब पैसा मिलना था, एक मंथ बाद मिलना था. ठीक है, एक महीने बाद हमें पैसा मिलना था. ठीक है, तो चलो जी और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म होता है, नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल. सर ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल को बोलूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, जो हमारे बिजनेस के डेटर्स होते हैं और जो हमारे बिजनेस का बिल्स रिसीवेबल का जो टोटल होता है, बिजनेस के डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का अगर मैं टोटल कर दूं, तो इनको कलेक्टिवली मैं इनको क्या बोल सकता हूं, ट्रेड रिसीवेबल बोल सकता हूं. ठीक है, इनको कलेक्टिवली मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रेड रिसीवेबल बोल सकता हूं. अगर मैं डेटर्स और अपने बिल्स रिसीवेबल को ऐड कर दूं, तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे. ठीक है, तो बस ये एक टर्म होता है इन दोनों को डिनोट करने के लिए. ठीक है, इन दोनों को डिनोट करने के लिए क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल. ठीक है, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. सो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं हम लोग. तो जैसे कि मेरी कैटरीना जी थी,
कैटरीना जी ने क्या करा, एक मंथ बाद मेरे पास आई, ठीक है, एक मंथ बाद मेरे पास आई कि सर सर मैं आई हुई हूँ और मैं आपके पास पैसे लेकर आई हूँ, ठीक है, मैं पैसे लेकर आई हूँ, बट मेरे पास क्या हो गया, मैं आपको पूरे के पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है। मैंने क्या करा, अपने आप को कोल्ड के थ्रू क्या करा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित करवा दिया, ठीक है, दिवालिया घोषित करवा दिया कि मेरे पास अब पैसा ही नहीं है, मैं आपके पैसे दे नहीं पाऊंगी। हमने कहा भाई कैटरीना जी, आपने तो गुड्स ले रखे हैं, अब आप पैसे नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, अब आप पैसे नहीं देंगे तो अब कैसे काम चलेगा। कैटरीना जी ने कहा कि मेरे पास पैसे है नहीं और ये मेरे कोल्ड से मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला कि जिन जिन के पैसे आपके पास इन प्रोपोर्शन आप पे कर सकते हो आप कर दीजिए, बाकी आपका क्या होगा, आपके डेब्ट्स को रिलीज कर दिया जाएगा, आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और आपको डेब्ट्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब अपने उधार नहीं चुकाना पड़ेगा। तो कैटरीना जी ने बोला कि मेरे पास सिर्फ आपको देने के लिए 5,000 रुपये, ठीक है, सिर्फ 5,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई कैटरीना जी जो है पहले आप दे दो, फिर देखते हैं हम आगे की बात आगे करेंगे। तो मैंने क्या करा, उनसे 5,000 रुपये रिसीव करे और कैटरीना जी ने कहा कि मैं आगे कुछ भी आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा क्या हो गया, उधार मर गया, ठीक है, मतलब मेरा डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, कस्टमर ने मेरे पेमेंट का क्या करा, डिफॉल्ट कर दिया। जब मेरे कस्टमर जो हमारा है वो जो डिफॉल्ट करता है पेमेंट का, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट्स, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो मेरा 5,000 का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, जो 5,000 का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैड डेब्ट्स, जो हमने रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, बैड डेब्ट्स जो होंगे हमेशा किस पे होंगे, क्रेडिट सेल पे होंगे। अगर कैश में सेल करते हैं, मेरा मेरे को पैसा ही पूरा रिसीव हो गया तो कभी बैड डेब्ट्स तो कैश में तो हो ही नहीं सकता। जब हम लोग कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं गुड्स, और कस्टमर जब ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर देता है, जिस दिन पैसा देना होता है उस दिन डिफॉल्ट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स क्या होती है हमारे बिजनेस की, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। इट मे बी बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ डेटर्स, ठीक है, डेथ ऑफ डेटर्स। मान लीजिए मेरा कोई कस्टमर मर जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली में की फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है शायद ऐसा ना हो कि वो पेमेंट कर पाए, ठीक है। तो डेथ की वजह से भी जनरली क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट हो जाता है। सो हम लोग इसको क्या मानते हैं, ये हमारे बिजनेस का लॉस होता है, इट इज अ लॉस टू द बिजनेस, ठीक है। जो पैसा हमें नहीं मिल पाया वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। तो चलो जी और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं और टर्म्स भी हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, मेरे को चार से पाँच टर्म का टाइम चाहिए जिससे कि मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर सकूँ, बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुका, ठीक है, ठीक है। तो चलो और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सो जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स भी हम लोग क्या करते हैं, कैश में करते हैं या फिर क्रेडिट में करते हैं। अगर कैश में कर दिया तो इमीडिएटली कैश पे ऑफ करके हमारा क्या होता है, सेटलमेंट हो जाता है। अगर हम लोग क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट में अगर हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में इस बार क्या हुआ, मैं गया करीना जी के पास, इस बार करीना जी थी हमारी, करीना जी के पास मैं गया
और करीना जी से मैंने बोला कि आप मेरे को गुड्स परचेज करने हैं, तो करीना जी ने कहा क्यों नहीं आप बिल्कुल ले लीजिए। बट मैंने करीना जी से बोला कि करीना जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं आपको लेटर ऑन पैसे पे कर दूंगा, मैं आपको लेटर ऑन पैसे पे कर दूंगा। तो ये हमारी जो करीना जी थी, करीना जी कहती हैं चलो ठीक है, मैं आपको क्या करती हूँ, गुड्स सेल ऑफ कर देती हूँ। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, बेसिकली परचेज हो गया, बिजनेस को के लिए हमारे क्या हुआ, ये परचेज हुआ। और परचेज लेट्स टेक मैंने कर लिया, इस बार 20,000 रुपीज की परचेज करी है, 20,000 रुपीज की मैंने परचेज करी। और मैंने करीना जी से रिक्वेस्ट करा कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए पेमेंट के लिए। तो करीना जी ने मेरे से कहा कि आप इस गुड्स का जो आप परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट आप क्या कर सकते हैं, 2 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं, विद इन 2 मंथ्स कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको मेरे को पेमेंट कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, विद इन 2 मंथ्स कर सकते हैं। तो जो हमारी करीना जी, हमारी जो सप्लायर थी, ठीक है, जो सप्लायर थी, इसको मैं सप्लायर को मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारी करीना जी है उनको हम सप्लायर के नाम से, सप्लायर जो हमारे बैलेंस शीट में है हम इनको करीना के नाम से दिखा सकते हैं। ठीक है, बट सिचुएशन क्या हुई कि मैं सिर्फ करीना जी से ही थोड़ी ना गुड्स खरीदता हूँ, मैं सिर्फ गुड्स जो होगा करीना जी से ही थोड़ी ना खरीदता हूँ, मैंने क्या करा, मल्लिका जी से भी परचेज करा। ठीक है, मल्लिका जी से भी करा, ठीक है, और हेमा जी से भी करा, ठीक है, मल्लिका जी से करा, हेमा जी से करा, ऐश्वर्या जी से भी करा। तो इन सब लोगों से भी मैंने गुड्स परचेज करे। तो इन सबको अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं, अगर इन सबको मैं कलेक्टिवली एक नाम से डिनोट कर देता हूं जिसका नाम क्या होता है, क्रेडिटर्स। इन सबको मैं अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो एक नाम दे देता हूं कि मेरे पास क्या है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, मेरे पास क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन कौन है, उसमें करीना जी भी आती है, मल्लिका जी भी आती है, हेमा जी भी आती है और शरद जी भी आती है। तो हमें क्या करना होगा, सबके इंडिविजुअली अकाउंट्स तो बनाने ही है, बट इन एग्रीगेट मैं इनको क्लब करके अगर बोलूं तो मेरे पास क्रेडिटर्स है। तो लेट्स टेक एक एग्जांपल लेते हैं कि मल्लिका जी को जैसे मेरे को पेमेंट करना है 10,000 रुपीज का, हेमा जी को पेमेंट करना है 5,000 रुपीज का, और ऐश्वर्या जी को भी पेमेंट करना है 5,000 रुपीज का। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपने टोटल परचेज क्रेड में कितनी कर रखी है, टोटल परचेज क्रेड में कितनी कर रखी है और आपके क्रेडिटर्स आज के दिन में कितने, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास आज के दिन में 40,000 रुपीज के टोटल क्रेडिटर्स है। मतलब 40,000 रुपीज का मेरे बिजनेस में आज के दिन में उधार है क्रेडिटर्स से, जिनसे मैं गुड्स परचेज करता हूँ। ठीक है, जिनसे मैं गुड्स परचेज करता हूँ उनका उधार मेरे बिजनेस में कितना है, कितना है, 40,000 रुपीज का आज के दिन में है। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, करीना जी से 20,000 है, मल्लिका जी से 10,000 है, और हेमा जी से 5,000 है, और ऐश्वर्या जी से 5,000 है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स कौन होते हैं वो हम लोग अब चलो नोट डाउन कर लेता। तो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन, ठीक है, क्रेडिटर इज अ पर्सन, हम लोग बोल सकते हैं सप्लायर। सर इनको सप्लायर क्यों नहीं बोलते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्यों बोलते हैं? देखो बच्चे, जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज डेवलप करी गई, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, और कस्टमर को हम लोग डेटर्स बोलते हैं। अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है उसमें इन लोगों को ये नाम दे दिए गए, ठीक है, इन लोगों को ये नाम दिए गए। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन, यस, ब्रैकेट में सप्लायर, फ्रॉम होम एन एंटरप्राइज, From whom an enterprise, from whom an enterprise, creditor is the person from whom an enterprise, या कह सकते हो from, purchases goods or services on credit। ठीक है, क्रेडिटर पर्सन होता है हमारा, सप्लायर होता है, जिससे कि फर्म या एंटरप्राइज हमारी गुड्स जो परचेस करती है, सर्विसेज जो परचेस करती है, वो किसमें करती है, क्रेडिट पे करती है, मतलब उधार में करती है। ठीक है, अब चलो भाई ये सब तो हमने समझ लिया, बट एक क्या हुआ, करीना जी जो हमारी थी, करीना जी ने ये कहा मेरे से कि आप जो गुड्स परचेस करके जा रहे हो आप इसका पेमेंट मेरे को 2 मंथ बाद करोगे, आप जो गुड्स परचेज करके जा रहे हो आप इसका पेमेंट 2 मंथ बाद करोगे, इसकी क्या श्योरिटी कि आप 2 मंथ बाद मेरे को पैसा दोगे ही दोगे, आपने कहीं मेरे पेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया। तो करीना जी ने क्या करा, मेरे से बोला कि एक कागज का डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक पेपर में ये लिख लेते हैं कि आपने मेरे से इतने गुड्स परचेज करे हैं,
इस रेट पे परचेज करें, इतने के परचेज करें और आप ये मेरे को पेमेंट है, इतने मंथ्स बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, एक पेपर में लिख लिया, इसमें मैंने भी साइन कर दिया और करीना जी ने भी साइन कर दिया। तो इस पेपर को अब हम लोग क्या बोल देंगे, देखो तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको क्या बोलते थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो पैसा मेरे को रिसीव करना था कस्टमर से, इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, बिल से रिसीवेबल, कस्टमर से रिसीव करना है, इसलिए क्या, बिल से रिसीवेबल। अब क्या करना है, हमें सप्लायर को पे करना है, अपने अपने क्रेडिटर को पे करना है, तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, पे करना है, पहले क्या करना था, रिसीव करना था, तो अब मेरा क्या नाम पड़ गया, इस कागज को हम क्या बोल देंगे, बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल। तो चलो फिर हम लोग अब नोट डाउन कर लेते हैं, बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल क्या होता है, नोट डाउन कर लेता है, इट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द फर्म, accepted by the firm to pay fixed amount on a specified date, to pay fixed amount on a specified date, या फिर future date भी बोल सकते हैं, ठीक है, to pay a fixed amount on a specified date या future date, ठीक है सर। क्रेडिटर भी हमें समझ में आ गया और बिल्स पेबल भी हमें समझ में आ गया। तो बच्चे इसी तरह से क्या होता है, एक शब्द और आ जाता है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता था, डेटर्स और बिल रिसीवेबल का सम। डेटर्स और बिल रिसीवेबल को हम लोग कलेक्टिवली, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्या करते थे, कलेक्टिवली बोल देते थे ट्रेड रिसीवेबल्स। सिमिलरली हम लोग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देंगे, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गया हमारा, बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, ठीक है। तो सर जैसे कि उसमें बैड डेट्स होता था, इसमें भी क्या ऐसा कुछ होता है, हम लोग भी क्या डिफॉल्ट करते हैं बच्चे, हम लोग कभी ऐसा सोच के नहीं चलते कि हम लोग किसी का पेमेंट का डिफॉल्ट करेंगे, हम लोग कभी भी किसी का पेमेंट का डिफॉल्ट करेंगे, ये हम लोग जनरली सोच के नहीं चलते, ठीक है, जनरली हम लोग सोच के नहीं चलते। अगर हम अपने आप को ही इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर लेंगे तो हम लोगों का बिजनेस ही नहीं खत्म हो जाएगा, हम लोगों का बिजनेस नहीं खत्म हो जाएगा अगर हम लोग किसी को डिफॉल्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तो हमें अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जनरली कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के नहीं चलता कि वो किसी के पेमेंट का डिफॉल्ट करेगा, जनरली कोई बिजनेस ये सोच के नहीं चलता है कि वो किसी के पेमेंट का डिफॉल्ट करेगा। तो इसीलिए इसमें कोई भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। अगर बाय चांस अगर कुछ ऐसा होता है, बाय चांस अगर हम लोग नहीं पेमेंट कर पाते हैं और हमारे क्या होती है, इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं, हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, तो हम लोग जनरली एक अकाउंट यूज कर लेते हैं जिसको बोल लेते हैं इंसॉल्वेंसी, या फिर कह सकते हैं इसको डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हो सकता है आप ये टॉपिक जो है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में दिखेगा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ये दिखेगा। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, पहले से सोच के चलते हैं कि हम लोग किसी का पेमेंट का डिफॉल्ट करेंगे, बट फिर भी कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमारे बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता है कि हमें बिजनेस बंद करना पड़ता है, हमें अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना पड़ता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसी या इंसॉल्वेंसी अकाउंट का यूज करते हैं। तो ये शायद पक्का ही आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, अभी के लिए बस इतना मालूम होना चाहिए, अगर हम कभी नहीं पेमेंट कर पाए किसी को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ता, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक्सपेंडिचर, जो हमारा अगला टर्म हमें जो समझना है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। सर ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो चलो पहले हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, अमाउंट स्पेंट और
लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर सर क्या होता है, अभी भी मेरे को समझ भी नहीं आया, आपने ये लिखवा तो दिया. ठीक है, मतलब अगर मैं इसको और इन डिटेल बोलूं, बिजनेस से जो पैसा बाहर जाना, फ्रॉम बिजनेस इज अ एक्सपेंडिचर. अगर बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो वो हमारा क्या है, एक एक्सपेंस, एक खर्चा है. ठीक है, हमारा क्या है, बिजनेस का खर्चा है. अब खर्चा क्या है, हमारे बिजनेस से किसी भी तरीके का अगर हम पेमेंट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, खर्चा है. पेमेंट कर दिया या फिर करने वाले हैं, तो वो हमारा क्या है, बिजनेस का क्या है, एक एक्सपेंडिचर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल में मैंने क्या करा, मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय था. ठीक है, एक एम्प्लॉय था, उसने क्या करा, पूरे साल काम किया. ठीक है, मैंने क्या करा, उसको 12 मंथ्स की पूरी सैलरी पे कर दी. ठीक है, 12 मंथ की सैलरी पे कर दी. तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया. तो सर क्या, जो चीज हम लोग पे कर देते वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है? नहीं बच्चे, जो हमने पे कर दिया या फिर कर देंगे, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी क्वेश्चन में 11 मंथ्स की सैलरी पे कर दी और एक मंथ की सैलरी मैंने कहा बाद में दे दूंगा. तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया. सैलरी दे दिया, दे दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर. ठीक है, इसको मैं और बाइफरकेट करता हूँ, तो जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं. ठीक है, एक जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक हमारा क्या हो जाता है, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो सर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस हुआ, तो चलो बच्चे वो भी थोड़ा सा पहले हम लोग लिख लेते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट the benefit of which is consumed within the current accounting period. It is an expenditure incurred, the benefit of which is consumed within the current accounting period. Example, rent paid or payable. ठीक है, salary paid or payable, wages paid और पेबल. सर ये वेजेस क्या होती हैं, जैसे बच्चे जो हम लोगों के एम्प्लॉयज होते हैं, जो हम लोगों के ऑफिस में काम करते हैं उनको हम लोग सैलरी पे करते हैं, जो हमारे बिजनेस के लेबर्स होते हैं, जो हम लोगों के जनरली प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको हम लोग वेजेस देते हैं. ठीक है, मतलब देते तो उन्हें पैसा है, पर हम उन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे नाम से डिनोट कर देते हैं जिसका नाम क्या होता है, वेजेस. ठीक है, चलो ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं. जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और पेबल. तो सर ये आपने इतने सारे एग्जांपल्स लिखा दिए, जगह थोड़ा सा समझा भी दीजिए, तो चलो मैं बता देता हूं. तो इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, जैसे कि ये हमारा अकाउंटिंग का ईयर है. ठीक है, एक अकाउंटिंग का ईयर जनरली क्या होता है, वन ईयर का होता है. ठीक है,
एक साल का अकाउंटिंग का ईयर होता है, ठीक है, एक साल का अकाउंटिंग का ईयर होता है, तो ये वन ईयर का टाइम है, ठीक है। अब मेरा जो एक एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा, पूरे 12 मंथ्स बहुत ईमानदारी से काम किया, वन ईयर पूरा 12 मंथ्स जो पूरा बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है, बहुत अच्छे से काम किया। तो जो इनका जो लास्ट मंथ आया, जो दिसंबर का था, ठीक है, दिसंबर जो हमारा लास्ट मंथ था, मैंने क्या करा, जो दिसंबर का जो लास्ट मंथ था, मैंने बोला था कि दिसंबर की जो सैलरी होती है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगी, मतलब जिस मंथ की सैलरी है वो हम लोग उसके नेक्स्ट मंथ में दे देंगे। मतलब अगर जैसे मेरी जनवरी की सैलरी है तो बाय 5 फेब मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, सिमिलरली दिसंबर की जो सैलरी होगी बाय 5 जन मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, मैं 5 जन मैं पेमेंट कर दूंगा। तो हमें चेक करना है जो हमारे एक्स ने काम किया, और जो उससे मेरे को बेनिफिट मिला है, जो हमारे बिजनेस को एक्स के काम करने से बेनिफिट मिला है, अगर वो बेनिफिट हमें सेम ईयर में मिल गया, जिस ईयर काम किया उसी ईयर में मिल गया, तो हम उसको क्या बोल देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमें बेनिफिट सेम ईयर में मिल जाता है, सेम करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं, क्या हुआ कि एक्स के घर पे, एक्स जो हमारे जो एक्स थे, इनके घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है, इनके घर में कोई बीमार हो गया, इन्होंने क्या बोला कि सर मेरे को पैसे की जरूरत है, बेचारा रोता हुआ मेरे पास आया, ठीक है, इसने कहा कि मेरे घर में कोई बीमार है और इलाज के लिए मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है, 50,000 रुपीज की जरूरत है मेरे को, क्या करने के लिए, इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको तो नेक्स्ट ईयर भी तो मेरे यहाँ काम करना ही करना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो आपको मेरे यहाँ काम करना ही करना है, तो मैं क्या करता हूँ आपको 50,000 रुपीज एडवांस में दे देता हूँ, और अब जब आगे के नेक्स्ट ईयर की सैलरी में से आप इसको क्या करना, डिडक्ट करा लेना, इसको कटवा लेना, इसको डिडक्ट करा लेना नेक्स्ट ईयर की सैलरी से। तो मैंने क्या करा, 50,000 रुपए यहाँ पे इसको दे दिए, ठीक है। अब जो ये पैसे मैंने दिए हैं, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट मैं ले चुका हूं, इसका बेनिफिट ले चुका हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर में लेंगे, जब वो नेक्स्ट ईयर में अपनी सर्विसेज परफॉर्म करेगा तब इसका बेनिफिट ले लेंगे। तो जब बेनिफिट अगर किसी चीज का ले लिया है तो वो हमारा एक्सपेंडिचर क्लासिफाई होगा, हमारा एक्सपेंडिचर तभी क्लासिफाई होगा जिस चीज का हम लोग बेनिफिट उठा चुके हैं, ठीक है, जिस चीज का बेनिफिट हम लोग करंट ईयर में ले चुके हैं, करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले चुके हैं, तो वो हमारा करंट ईयर का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते हैं हमारे बिजनेस का, अपने बिजनेस का एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस मैंने बिजनेस के करे और उसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर उसका बेनिफिट किसी और अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलता है, तो वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई नहीं होगा, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई नहीं होगा, हमारा एक्सपेंस हम उसे नहीं बोल सकते, हम अपने बिजनेस का खर्चा नहीं बोल सकते। तो बेनिफिट अगर मेरे को करंट ईयर में मिला है, तो वो मेरा क्या एक्सपेंस है, ठीक है, जैसे कि इसमें हमें क्या मिल रहा था, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, मैंने पैसा पहले दे दिया, इसलिए क्या हो गया, ये मेरा बेनिफिट अभी अकर नहीं हुआ, तो मेरा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, पेड और पेबल। अगर मैंने बेनिफिट ले लिया और मैंने पे नहीं करा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने बेनिफिट ले लिया और पे नहीं करा है, मतलब बेनिफिट से मेरे को मोटा मोटा होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस किसको देना है, बेनिफिट्स को हमें इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। अगर बेनिफिट मेरे को मिल गया, ठीक है, अमाउंट पेड या नॉट पेड से मतलब नहीं है, पैसा दिया है कि नहीं दिया, पैसे का आदान प्रदान हुआ है कि नहीं हुआ, ये रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है कि बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। अगर बेनिफिट मिल गया करंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। चलो जी, फिर सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी आप हमें बता दीजिए। चलो ये भी हम लोग लिख लेते हैं क्विकली। तो इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच will be
कंज्यूम्ड इन फ्यूचर. इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी कंज्यूम्ड इन फ्यूचर. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट. ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं. सच एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड, सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर, सच एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट और टू इंक्रीज, और टू इंक्रीज, और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट. ठीक है, सच एसेट्स आर एक्वायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी और टू सच एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स. ठीक है, इसको और भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स बोल देते हैं. ठीक है, तो चलो सर इसको भी एक एग्जांपल आप हमें बता दीजिए थोड़ा सा, तो हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका जो बेनिफिट होता है, जिनका जो बेनिफिट होता है वो आगे के आने वाले सालों में मिलना है. वो एक्सपेंडिचर्स, वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जिनका बेनिफिट करंट ईयर में नहीं, जिनका बेनिफिट करंट ईयर में नहीं आने आगे आने वाले सालों में मिलेगा, उनको हम लोग क्या बोल लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बेनिफिट हमें अभी नहीं मिला था, हमने क्या करा था, 50,000 रुपए का एडवांस दे दिया था, 50,000 रुपीज का मैंने क्या करा, एक्स को एडवांस दे दिया कि भाई एक्स आपके जो घर पे जो भी बीमार है आप उसका इलाज कराइए, मैं आपको एडवांस दे देता हूं. तो इस खर्चे का बेनिफिट मेरे को अभी नहीं मिला, इस खर्चे का बेनिफिट अभी नहीं मिला है, मेरे को आगे आने वाले साल में मिलना है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या हम बोल सकते हैं बिजनेस का एसेट बन जाएगा. ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, या हम लोग मोटा मोटा इसको बिजनेस का अपना क्या बोल सकते हैं, एसेट बोल सकते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या है, बिजनेस का एसेट हो जाएगा. ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस का एसेट हो जाएगा. चलो जी, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे कि मैंने क्या करा, अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा, तो जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो उसको कई साल तक यूज करते हैं. लेट्स टेक, हमने फर्नीचर परचेज करा और ये सोचा कि हम इसको 10 ईयर्स तक यूज करेंगे, 10 ईयर्स तक मैं इस फर्नीचर को क्या करूंगा, यूज करूंगा, मैं इस फर्नीचर को 10 ईयर्स तक यूज करूंगा. तो इसका बेनिफिट क्या है, मेरे को 10 सालों तक मिलेगा. ठीक है, 10 ईयर्स तक स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, पूरा मेरे को करंट ईयर में तो नहीं मिल रहा है, मेरे को क्या होगा, इसका बेनिफिट कई सालों में स्प्रेड हो जाएगा. तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो चलो सर एक एग्जांपल और अच्छा सा बता दो, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ सके. तो चलो बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं. ठीक है, तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या काम है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का. ठीक है, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का. ठीक है, फर्नीचर का मेरा बिजनेस है. मैं क्या करता हूँ, कुछ गुड्स परचेज करके लाता हूँ, मतलब मैं कुछ फर्नीचर परचेज करके लाता हूँ. मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर मैंने क्या करा, परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा, और लेट्स टेक 20,000 रुपीज में करा. ठीक है, फर्नीचर परचेज करा, 20,000 रुपीज में परचेज करा. तो जो ये मैंने फर्नीचर परचेज करा, ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम कभी भी गुड्स परचेज करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं, हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम उसे अपने नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे. हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो गुड्स मैंने परचेज करें उसको हम बेच देंगे. हम कभी ये नहीं सोचते कि हम जो गुड्स परचेज करें उसको हम दुकान में रखे देंगे. तो ये मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया. इसका बेनिफिट हमें जल्दी से जल्दी करंट अकाउंटिंग ईयर में ही लेना है. हमने जिस ईयर में खरीदा हम उसी ईयर में सोचते हैं कि उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑफ कर देंगे. सिमिलरली हमने क्या करा, एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी. ठीक है, एक बिल्डिंग परचेज करी, मतलब एक लैंड परचेज करा, उसमें बिल्डिंग बनाया. तो उस बिल्डिंग में मैंने क्या करा, अपना ऑफिस बनाया. अब जो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग मैंने परचेज करके ऑफिस वगैरह बनाया, तो उसको मैं क्या करूंगा, कई सालों तक यूज करूंगा. जब तक मेरा बिजनेस चलेगा तब तक मैं यूज करूंगा. ठीक है, तो उसका बेनिफिट है मेरे को क्या है, आगे आने वाले सालों में मिलने वाला है. तो कोई भी एसेट जिसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल जा रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मेरे को आगे आने वाले सालों में मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को और हम लोग क्या बोलते हैं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर को और हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट्स हमारे बिजनेस के, ठीक है, हमारे बिजनेस के एसेट्स। चलो फिर सर और भी बताइए, फिर और आगे बढ़ाइए। तो चलो भाई हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में एक चीज़ और मैं लिखवा देता हूँ कि जो हमारा अमाउंट जो हम लोग स्पेंड करते हैं, अमाउंट जो हम लोग फॉर एक्वायरिंग एसेट्स जो हम लोग इनकर करते हैं, ठीक है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो हम लोग अमाउंट इनकर करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो हम लोग इनकर करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। चलो जी फिर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एसेट्स, ठीक है, एसेट्स क्या होता है। तो चलो बच्चे एसेट्स को समझने की कोशिश करते हैं, एसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एसेट्स जो हमारे बच्चे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ अ बिजनेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब वो हमारे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई टाइम तक मिलेगा, मतलब जिसका बेनिफिट या तो आगे आने वाले कई टाइम पे मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। जिसका बेनिफिट हम लोग उठा चुके हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, एक्सपेंस बन जाते हैं। और जिसका बेनिफिट आगे आने वाले सालों में मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। जिसका बेनिफिट, जैसे कि हमने क्या करा, हमारे जो फादर लोग होते हैं, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, फादर लोग होते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी का जो यूज है, जो बेनिफिट है, वो आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। जो बैंक बैलेंस है वो हम लोग कई सालों तक यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका बेनिफिट जो है वो आगे आने वाले कई सालों तक मिलेगा। तो कभी भी आपके घर पे आप पापा लोग बोले कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो आप उनसे बोलना आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास क्या, बिजनेस के एसेट्स है, आपके पास क्या है, एसेट्स है। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या बोल देते हैं, एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, नॉन करेंट एसेट्स। दूसरे हमारे कौन से होते हैं, करंट एसेट्स। और तीसरे जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, फिक्शीशियस एसेट्स। तो जो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं। Those assets which are held by the business from long term point of view, मतलब for more than one year, वो assets जो हम लोग अपने अपने पास held रखते हैं, from the long term point of view, मतलब एक साल से ज्यादा time के लिए रखने के लिए सोचते हैं, जो एसेट्स हम लोग क्या करते हैं एक साल से ज्यादा रखने के लिए सोचते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन करेंट एसेट्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, ये सब हम लोग जो एसेट्स परचेस करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो हम लोग परचेस करते हैं
वो जनरली हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग एक साल में यूज करके खत्म कर देंगे, ठीक है, एक साल से ज्यादा यूज करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, मेरी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। तो सर करेंट एसेट्स क्या होते हैं ये भी बता दीजिए। दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इंटू कैश और फॉर यूजिंग देम और फॉर यूजिंग देम और फॉर यूजिंग देम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपने करंट एसेट्स, मतलब विद इन वन ईयर। अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो सर आपने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स बता दिया, तो थोड़ा सा क्या आप मेरे को और बता सकते हैं इसके बारे में? तो चलो बच्चे मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स टेक, ये मेरा जो है अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, और ये अकाउंटिंग ईयर जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक, ठीक है। ये मेरा अकाउंटिंग का ईयर है। अकाउंटिंग का ईयर जनरली एक साल का ही होता है, ठीक है, तो एक साल का ही जनरली हम लोग अकाउंटिंग का ईयर लेते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई टाइम पीरियड लेते हैं तो उसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन देना पड़ता है कि हम लोग कम पीरियड क्यों ले रहे हैं या ज्यादा पीरियड क्यों ले रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई रीजन होता है। बट यूनिफॉर्मली अगर हर जगह मैं देखूं तो एक साल का ही अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो चलो 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को जब हमारा ईयर एंड होता है तब हम लोग क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है। जब हमारा ईयर एंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इस बैलेंस शीट के डेट में हम लोग असर्टेन करते हैं कि हमारे कौन से करंट एसेट्स हैं और हमारे कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है, हमारे कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन से हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। तो जो एसेट्स जो यहाँ पे 31 दिसंबर को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, जो एसेट्स जो हम लोग 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर उसको यूज कर लेंगे फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2020, मतलब एक साल के पीरियड में अगर उसको यूज कर लेते हैं या फिर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स हो जाएंगे। वो एसेट्स जो हम लोग अपने बैलेंस शीट के डेट से या फिर अकाउंटिंग ईयर के एंड से विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर में यूज कर लेंगे या फिर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है, हमारा कैश तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं। कैश जनरली जो हमारा होता है उसको हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए, एक्सपेंसेस पे करने के लिए, तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाता है, करंट एसेट्स हो जाता है। वो हमें विद इन 12 मंथ्स यूज करना ही पड़ता है, ठीक है, वो हम लोग जनरली विद इन 12 मंथ्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं स्टॉक जो मैं परचेस करके लाता हूं, मेरा इंटेंशन क्या होता है कि विद इन अ ईयर हमें इसको क्या करना है सेल करना है, इसको सेल करके हमें किसमें कन्वर्ट करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। स्टॉक को सेल करके मैंने को किसमें कन्वर्ट करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया। डेटर्स को जब हम सेल करते हैं तो नॉर्मली क्रेडिट पीरियड हम लोग 2-3 महीने का ही देते हैं, तो हमारी इंटेंशन क्या होती है, हमारे बैलेंस शीट के 2-3 महीने के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे कैश में। अगर वो एसेट जो हमारा बिजनेस का एसेट है, जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलना होता है, मतलब आगे के आने वाले टाइम पीरियड पे जो बेनिफिट मिलना होता है उसको पहले हम लोग एसेट क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंने इनकर करा जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरा क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। जो भी मैंने खर्चा किया जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा वो क्या होता है, मेरा एसेट होता है। फिर एसेट को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इसमें करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है।
तो जो भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मेरे को एक साल के पीरियड के अंदर मिल जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या हो जाएगा, मेरा करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, और जो खर्चे जो आफ्टर 31 दिसंबर 2020 भी मिलते रहेंगे, और जो मेरे खर्चों का बेनिफिट जो आफ्टर 31 दिसंबर 2020 भी मिलता रहेगा, आज की डेट पे जो मैं एसेस कर रहा हूँ, जो बेनिफिट मेरे को 31 दिसंबर 2020 के बाद भी मिलेगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, नॉन करंट एसेट। ठीक है, जिसका बेनिफिट मेरे को 12 महीने के बाद भी मिलता रहेगा, मतलब विद आफ्टर 1 ईयर भी मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या फिर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जिसका बेनिफिट मेरे को एक साल के पीरियड के ऊपर मिलेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को चेक करना है कि मेरे को बेनिफिट कब मिल रहा है। अगर मेरे को बेनिफिट करंट ईयर में मिल रहा है तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, उसको हम अपना एक्सपेंस मान लेंगे, उसको हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे। अगर मेरे को बेनिफिट आगे के आने वाले टाइम पीरियड पे मिलना है तो वो हमारे बिजनेस का क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। और उस चीज का बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, अगर मेरे को विद इन 1 ईयर मिल जाता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। और उसका बेनिफिट आज की डेट से 12 महीने के बाद में मिलेगा, आज की डेट में आफ्टर 1 ईयर मिलेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हम लोग कई सालों तक यूज करते हैं, इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है, तो वो मेरा क्या हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया। ठीक है, तो सर फिर ये फिक्शीशियस एसेट्स क्या होते हैं, ये भी हमें बता दीजिए, जो हमारे बिजनेस के फिक्शीशियस एसेट्स होते हैं वो भी हमें बता दीजिए। तो फिक्शीशियस एसेट्स बच्चे मैं बता देता हूं आपको क्या होते हैं, दे आर नाइदर एसेट्स या मैं इसको और बेटर तरीके से लिख लूं, तो दे आर नाइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, दे आर नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल एसेट्स, दे आर द लॉसेस Not yet written off. ठीक है, they are the losses not yet written off. ठीक है, तो सर इसका क्या मतलब हुआ, ये भी आप हमें बता दीजिए। तो चलो मैं बता देता हूँ, तो fictitious assets को हम लोग क्या करते हैं, deferred revenue expenditure भी बोलते हैं, deferred revenue expenditure भी हम लोग बोलते हैं, किसको, fictitious assets को हम लोग deferred revenue expenditure भी बोलते हैं। तो सर ये क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलो बच्चे मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे बिजनेस में क्या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो फॉर एग्जांपल क्या करा मैंने, मेरा जो ये बिजनेस है, ठीक है, मैंने क्या करा, एक एडवर्टिजमेंट का एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, एडवर्टिजमेंट का मैंने एक्सपेंडिचर करा, और ये क्या करा, ₹5 करोड़ का एक्सपेंडिचर करा, ठीक है, ₹5 करोड़ का मैंने क्या करा, एक्सपेंडिचर करा, एक ह्यूज अमाउंट का एक्सपेंडिचर करा। तो जो मेरे को एक्सपेंडिचर मैं करता हूँ, जो बिजनेस का ये एडवर्टिजमेंट क्या हुआ, मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक महीने के अंदर कोई भी एक्सपेंस, हम किसी भी खर्चे को एक्सपेंस तब मानते हैं जिसका बेनिफिट हमें क्या होता है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। बट क्या हुआ कि मैंने एक्सपेंडिचर कितने का करा, 5 करोड़ रुपए का करा, हैवी अमाउंट का करा, ठीक है, हैवी अमाउंट। अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर हैवी अमाउंट का कर रखा है, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर मैंने हैवी अमाउंट का कर रखा है, तो मैंने ये सोच के करा होगा कि इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मेरे को कई टाइम तक मिला, ठीक है, तो मैंने ये सोच रखा है कि हर साल मैं 1 करोड़ रुपए राइट ऑफ करूंगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से राइट ऑफ करूंगा, मतलब 1 करोड़ का ही बेनिफिट लूंगा, 1 करोड़ का हर साल मैं क्या करूंगा, बेनिफिट ले लूंगा, ठीक है।
अब मैं जब एक करंट ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में खड़ा होगा, ठीक है, करंट ईयर के जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में खड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है वो मैंने करंट ईयर में ले लिया, वो मैंने क्या करा करंट ईयर में ले लिया। बाकी के जो यहां पे जब मैं खड़ा होगा बैलेंस शीट बना रहूंगा, इन सब का बेनिफिट तो अभी तक मैं ले ही नहीं पाया हूं, आगे मैंने जो एडवर्टाइजमेंट करा है इसका बेनिफिट जो है, इसका बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट से हमारी क्या होती है, सेल्स जनरेट होती है, कस्टमर्स और अट्रैक्ट होते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो आगे आने वाले सालों में का जो बेनिफिट होगा वो हम आज तो अवेल नहीं कर पाए, बट जो इसका जो नेचर है, जो इसका नेचर वो कैसा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, जो हमने एक्सपेंस किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, जो हमने एक्सपेंस किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, बट जो उसका बेनिफिट है वो कई आगे आने वाले सालों तक मिलता है, जो उसका बेनिफिट है वो कई आगे आने वाले सालों तक मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा बेसिकली बिजनेस का कोई एसेट नहीं होता, ठीक है, ये हमारा जो क्या होता है, ये हमारा कोई बिजनेस का एसेट नहीं होता, बस हम लोग इसके डेबिट बैलेंस की वजह से, जो हमारे बिजनेस के जो डेबिट बैलेंसेस होता है, जो हमारे बिजनेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से बस हम इसको क्या करते हैं, अपने बिजनेस का एसेट डिनोट कर देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं क्या, फिक्शीशियस एसेट्स। सिर्फ डेबिट बैलेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं इसको, इस क्या नाम दे देते हैं, फिक्शीशियस एसेट्स, ठीक है। हो सकता है अभी आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी अकाउंट्स की डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज नहीं समझी है। तो हो सकता है ये अभी मैं अभी इसका एक जब चैप्टर आएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक स्पेसिफिक चैप्टर है आपके सिलेबस में, जब उस चैप्टर में पहुंचूंगा तब ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, अमाउंट नॉट येट रिटन ऑफ, जो अमाउंट अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं कर दिया वो हमने क्या करा, आगे के लिए डिफर कर दिया, तो इसको बोल देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके जो डेबिट बैलेंस की वजह से जो हम लोग दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, फिक्शीशियस एसेट्स बोल देते हैं, ठीक है, फिक्शीशियस एसेट्स बोल देते हैं। तो आज के लिए अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, इसका एक सेपरेट चैप्टर है, जब हम लोग डील करेंगे उस चैप्टर को तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस समझाने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या समझा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या होती है, मैनेजमेंट से क्या रिलेटेड होता है, लॉ से क्या रिलेटेड होता है, फिर रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन द सोसाइटी हमने डिस्कस करा, अकाउंटेंट का क्या रोल होता है सोसाइटी में, ठीक है। फिर हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने शुरू करे, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने गुड्स के बारे में जाना, परचेज, सेल्स रिटर्न, फिर हमारा स्टॉक क्या होता है, हमारे बिजनेस की इन्वेंट्रीज क्या होती है वो हमने समझा था, ठीक है। फिर हमारे बिजनेस के डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में जाना था थोड़ा सा। हमारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं वो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स समझने की कोशिश करी थी, जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप लोग अपने फादर को बता सकते हैं कि आपसे कभी भी बोले कि लो बेटा कैश लो, अपने फादर से बोलना बच्चे, फादर से बोलना कि भाई जो आप दे रहे हो वो एसेट है, बट एसेट को हम लोग डिनोट करते हैं नाम से, क्योंकि अब एसेट तो भाई सब कुछ हो गया, कलेक्टिवली हम लोग उसको एसेट बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको एसेट बोल देते हैं, बट इंडिविजुअली अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो वो क्या है, एसेट का जो फॉर्म है वो क्या है, कैश है, ठीक है, कैश है। तो एसेट्स में हमने क्या पढ़ा, नॉन करंट एसेट्स पढ़ा, करंट एसेट्स पढ़ा और फिक्शीशियस एसेट्स पढ़ा, ठीक है। तो होप सो आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोगों को 1 से 2 टर्न और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, यही सब की एक्सपेंडिचर अभी हम लोगों का जैसे बचा है, लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, ये सब चीजें अभी बची हुई हैं, वो हम लोग होप सो नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक सब डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे क्या होगा, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब सारे क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग अपने अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में जा पाएंगे, ठीक है, तब हम लोग अपने अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में जा पाएंगे, जब हमारे सारे के सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जब खत्म हो जाएंगे तब हम लोग कहां पे जा पाएंगे, अपने अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में, ठीक है। तब तक हम लोगों को अभी बेसिक समझते हुए चलना है, हमारे अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी, हमारे अकाउंट्स की भाषा समझने की कोशिश करनी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज को बिजनेस की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही है, आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है, सी यू, बाय बाय, टाटा।